press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज अपन इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे एक्सरसाइज फॉर मैथ के अंदर जो कि 6 मार्क्स की है। एक ही क्वेश्चन आता है इसके अंदर से। 26 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो इस एक्सरसाइज से आता है। तो ये एक्सरसाइज आपने जो 9th क्लास में पढ़ी थी वो कि वो एक्सरसाइज है 4th एक्सरसाइज। तो वहां पे आपने उसको कई मेथड से सॉल्व किया था। यहां पे आपको इसको सिर्फ ग्राफी मेथड से सॉल्व करना है। तो इसी को अपन थोड़ा सॉल्व पैटर्न में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसके जो फर्स्ट अपन आलेख्य विधि से जब आप ग्राफ बनाते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन, तो आपको उसका नेचर के बारे में पूछा जाता है कई बार कि आप पहले इसका नेचर बताओ और उसके बाद इसको आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो। तो इसके नेचर या इसकी जो प्रकृति के बारे में जो आपको कैसे पता करना है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट वैल्यू है वो c है। तब यहाँ पे आपको टू लीनियर इक्वेशन होगी, तब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके कंपेयर करेंगे इसके जो कोफिशियंट थे, ये जो इनके कोफिशियंट है a1 a2 b1 b2 c1 और c2, इनके रेशियो का अपन कंपैरिजन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन इसका नेचर बताएंगे भी प्रकृति क्या है इन दोनों लाइनों की, जो ग्राफ है वो किस टाइप से बनेगा। तब अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के नॉट इक्वल टू है, यानी दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्टिंग करेंगी, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो जो ग्राफ आप बनाते हो इस तरह से ऐसे क्रॉस करेगा दोनों ग्राफ, और जब ग्राफ ऐसे क्रॉस करता है तब आपको वहां पे एक आंसर मिलता है। इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू होती है एक्स और वाई की, तो आपको एक्स और वाई के एक एक वैल्यू मिलेगी, तो आपके वहां सॉल्यूशन का टाइप होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी वहां पे अद्वितीय हल होगा। इस टाइप का ही ग्राफ वर्ल्ड के अंदर 100% पूछा जाता है, यूनिक सॉल्यूशन वाला। अब सेकेंड कंडीशन है कि अगर a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तब दोनों लाइन जो आप ग्राफ बनाते हो वो दोनों लाइन ऐसे पैरेलल जाएगी, यानी एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो पैरेलल जाने के बाद इन दोनों लाइनों का आपस में कहीं भी टच नहीं होगा, तो वहां पे x और y की आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो उसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं है। तो दोनों लाइनें ये समांतर होगी इस कंडीशन में। तीसरी जो कंडीशन है वो है अगर तीनों रेशियो इक्वल आ जाए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो वो होगा कोइंसिडेंट लाइन होगा, यानी दोनों है वो लाइन एक लाइन के ऊपरी दूसरी लाइन होगी, संपाति लाइन होगी दोनों। तो एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन आएगी तो उस उन दोनों लाइनों को आप जहां तक आप आगे बढ़ाओगे वहां तक आपको x और y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो उस कंडीशन में मेनी सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे, यानी अधिकतम मान होंगे वहां पे, अनंत हल होंगे। तो ये जो इस पैटर्न से आप इसको नेचर को मालूम कर सकते हो कि जो दोनों इक्वेशन दे रखी है उनका ग्राफ जो बनेगा या उनका जो सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा। तो अपन इसके क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, उसमें अपन सिर्फ ग्राफ बनाना सीखेंगे भी किस तरह से ग्राफ बनाते हैं और कैसे एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं। तो 3-4 क्वेश्चनों पे ग्राफ पे अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो 4.1 के अंदर जो ग्राफ है वो लीनियर इक्वेशन है, और इनइक्वालिटी वाले जो ग्राफ है वो आपके 4.2 के अंदर है। तो 4.1 वाले एग्जाम में आ रहे हैं, 4.2 वाला तो अभी जो 2 साल का पैटर्न है उसमें ना तो मेन पेपर में आया ना सप्लीमेंट्री में आया। तो आप 90% तो ये जो 4.1 से, और हो सकता है 5% या 10% 4.2 से भी आ जाए, तो आपको 4.2 पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 11 और 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे जैसे इसको चेक करो कि जो इस ग्राफ का जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है, तब आप a1 अपॉन a2 की वैल्यू देखो 3 अपॉन 2 आएगी, और इसकी आएगी 2 अपॉन b1 अपॉन b2 की माइनस 2 अपॉन 3, तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नहीं है,
तब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और दोनों जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी। तो इंटरसेक्ट वाला ही बॉन्ड पेपर के अंदर आता है। तो ये एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है सेवन। यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन को करोगे तो आपके दो टाइप से दिए जाते हैं, या तो जो कॉन्स्टेंट वैल्यू सी होती है वो सी लेफ्ट साइड राइट साइड में दी हुई होती है, या वो लेफ्ट साइड में दी हुई होती है। तब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में तीनों की तीनों वैल्यू है वो आपके लेफ्ट साइड के अंदर ही है। तो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग कैसे करोगे कि आप जब तीनों ही लेफ्ट साइड में है तब आपको एक एक्स की वैल्यू निकालो चाहिए, वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, बाकी सभी को आपको इधर राइट साइड में ट्रांसफर करना है। तो आप यहाँ पे चाहो तो एक्स वाला यहाँ पे रख सकते हो या आप वाई वाली वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। तो जब आप एक्स वाला रखते हो तो 3x है, ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे। अब ये जो दोनों है वो राइट साइड में पक्षांतरण होगा इनका, तो ये दोनों ही राइट साइड में जाएंगे, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो 11 नेगेटिव है यहाँ भी लेफ्ट साइड में, तो ये राइट साइड में इसका ट्रांसफर करने पर ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो मैंने पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया, आप चाहो तो 2y को पहले और 11 को बाद में कैसे भी लिख सकते हो इन दोनों को। अब 2y जाएगा राइट साइड में तो ये यहाँ प्लस का, इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो गया 2y। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x हो गया 11 माइनस 2y अपॉन में ये 3, इसके मल्टीप्लाई में गुणा में है तो ये 3 आ गया इसके भाग में। तो आप जो सब्स्टिट्यूट मेथड लगाते थे प्रतिस्थापन विधि 9th क्लास के अंदर, तो आप वहाँ x या y की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे, तो उसी तरह से आपको यहाँ x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर आपने ये x की वैल्यू वाला इक्वेशन सही बनाई है तब आप जो वैल्यू पुट करोगे वो आपको सही आंसर मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे माइनस या प्लस की मिस्टेक कर दी तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ 11 है वो प्लस का हो जाएगा, इधर y वाला माइनस का, फिर 3 मल्टीप्लाई में तो ये अपॉन में आ गया। और एक आपको यहाँ पे जो भी सब्ट्रैक्ट करो डिवाइड करो वो भी ढंग से आना चाहिए, क्योंकि उसमें माइनस की अगर एक भी गलती कर दी तो पूरा क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, जिससे आपका ग्राफ 6 नंबर का गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका पक्षांतरण करोगे तो 2x को आप अगर यहाँ रखते हो, क्योंकि इधर आप जो भी है पॉजिटिव वैल्यू को इस साइड रखा करो, इज इक्वल टू मी, देखो 3y और 10 दोनों इस साइड जाएंगे, तो 3y देखो नेगेटिव है यहाँ तो 3y पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको मैंने पहले लिख दिया, और 10 यहाँ पॉजिटिव है तो वो राइट साइड में जाकर के नेगेटिव हो गया। आप चाहो तो माइनस 10 प्लस 3y भी लिखो, वो भी सही है। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 3y माइनस 10 अपॉन 2 आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई में था तो ये अपॉन में आ गया, गुणा से इसको अपन ने भाग में ले लिया। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट करोगे और x की वैल्यू मिलेगी, तो आपको एक वैल्यू चेक करके आपको यहाँ पे निकालनी है, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। तो एक वैल्यू आपको पहली कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे ये 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई होने पर 11 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद 3 से डिवाइड पूरा पूरा हो, तो आप स्टार्टिंग 0 से किया करो। अगर आप 0 से नहीं हो रहा फिर 1 या 2 से आपको जरूर मिल जाएगा एक वैल्यू। तो आप अगर 0 पुट करते हो तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, फिर 0 हो जाएगा, 11 में से माइनस करोगे तो 11 का 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो अब सेकेंड वैल्यू 1 रख के चेक करेंगे, तो 1 रखने पर 2 इंटू 1 2 होगा, 11 माइनस 2 करने पर 9 होगा जो 3 से डिवाइड होता है। तो अपने को पहली वैल्यू क्या मिल गई है, आप पहले रफ चेक कर लो, तो पहली वैल्यू आपको मिल गई है y की वैल्यू 1, तो आप लिखोगे यहाँ पुटिंग y इज इक्वल टू 1, y बराबर 1 रखने पर। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, इसी कॉलम में आपको सारी वैल्यू पुट करनी है, 11 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन में 3, तो ये 11 माइनस 2 9 अपॉन 3 हो जाएगा, तो 9 अपॉन 3 कितना होता है, 3 होता है, x की वैल्यू आपको मिल गई है 3। अब सेकंड वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है कि अपॉन में आप देखो कि अपॉन में कितना है 3 है, तब आपने जो पहली वैल्यू जो वैल्यू रखी है 1 उसमें नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए आप चाहे अपॉन वाला वो 3 ऐड कर या आप जो 3 है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करो। तो ऐड करोगे तो नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करनी होगी, 1 प्लस 3 4 पुट करनी होगी, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन सी पुट करनी होगी, 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस 2 पुट करनी पड़ेगी। तो आप एक वैल्यू निकालने के बाद अगर आप ग्राफ 3 वैल्यू से बनाना चाहते हैं तब एक वैल्यू तो आप इसमें ऐड करके बना लो और एक सब्ट्रैक्ट करके बना लो, या आप सिर्फ ऐड ही करके बना सकते हो। तो नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए अपॉन में जो 3 है तो वो फर्स्ट वाली जो आपने वैल्यू पुट की उसमें वो ऐड कर दो। तो ऐड करने पे आपको ये चेक नहीं करना आप कि 2 रख के पुट करें या 3 रखें, आप डायरेक्ट 1 प्लस 3 4 पुट कर सकते हो। तो पुटिंग
एक पुटिंग वाई इज इक्वल्स टू 3+1 करोगे तो 4 पुट करना है इसमें, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 11 माइनस 2 इनटू में 4 पुट कर रहे हो अपॉन में 3, तो 11 माइनस 2 का 4 से होगा तो 8 अपॉन 3, तो 11 माइनस 8 होगा तो 3 प्लस का 3 अपॉन 3 आ गया 1, तो सेकंड वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब तीसरी वैल्यू और निकाल लो, कई बार अपन तीन तीन वैल्यू अगर निकालते हैं तो आपको उसमें से 90% कॉमन वैल्यू मिल जाती है जो कि ग्राफ जिसमें इंटरसेक्ट हो जाएगा, तो उसे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब नेक्स्ट वैल्यू अगर आप पॉजिटिव पुट करना चाहते हो तो 4 में फिर 3 ऐड करोगे तो 7 पुट करना पड़ेगा, अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करना चाहते हो तो 1 माइनस 3 करोगे, क्योंकि अगर आप 4 माइनस 3 करोगे तो वापस 1 ही आ जाएगा, तो आपने जो स्टार्टिंग में वैल्यू पुट की है उसमें से अपॉन वाला ऐड करो वो या सब्ट्रैक्ट करो, तो नेक्स्ट वैल्यू आप पुट करो, जैसे मैं ऐड करके बना, क्योंकि माइनस है तो अगर आप पॉजिटिव उसमें पुट करोगे तो आपको सब्ट्रैक्ट होने के बाद है वो वैल्यू छोटी मिलेगी, तो नेक्स्ट वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ y इज इक्वल्स टू 4 में अब 3 ऐड और कर देंगे तो ये कितना हो गया 7 हो गया, तो 7 पुट करने पर x इज इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू में 7 अपॉन में 3, तो 11 माइनस 14 अपॉन 3, तो 11 माइनस 14 होगा तो ये माइनस का 3 आएगा अपॉन में 3, तो ये आ गया माइनस का 1। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसकी टेबल बना लो, तो यहाँ पे अपन ने तीन वैल्यू निकाली है, तो इसके लिए आपको ये तीन कॉलम बनाने हैं एक्स और वाई। आपने स्टार्टिंग में वाई की वैल्यू पुट की है, यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है कई बार इन दोनों को आप चेंज कर देते हो, एक्स वाली वैल्यू वाई में पुट कर देते हो वाई वाली एक्स में, तो इसी गलती की वजह से फिर आप ग्राफ बनाने लग जाते हो और वापस नहीं देखते भी आपने वैल्यू कहीं चेंज तो नहीं कर दी है, तो इसलिए आप यहाँ पे सबसे पहले वो वैल्यू पुट करो जो स्टार्टिंग में आपने पुट की है, वाई की वैल्यू आप स्टार्टिंग में पुट कर दो, y की वैल्यू आपने 1 रखी, फिर आपने y की वैल्यू 4 रखी, फिर y की वैल्यू 7 रखी, उसके बाद स्टार्टिंग में x की वैल्यू आपको क्या मिली थी 1 रखने पर तो 3 मिली थी, 4 रखने पर 1 मिली थी और 7 रखने पर ये माइनस का 1 मिली थी, तो ये आपकी तीन वैल्यू आ गई है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप y की वैल्यू पहले रफली चेक करोगे क्या पुट करें जिससे वो 2 से डिवाइड हो जाए, तो अगर आप स्टार्टिंग 0 से करते हो तो ये 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, तो माइनस 10 बचेगा, माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 5 होता है, तो आप इसमें 0 पुट कर सकते हो, तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0, 0 पुट करने पर x की वैल्यू क्या मिलेगी ये तो 3 इंटू 0 होगा माइनस 10 अपॉन 2, तो माइनस 10 अपॉन में ये 2 है तो आ गया माइनस का 5, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई है y 0 पुट करने पर। अब इसी जो पहले किया था उसी पैटर्न पे अपॉन में 2 है तो जो आपने पहले वैल्यू पुट की है जो रखी है उसमें आप 2 ऐड कर दो तो नेक्स्ट वैल्यू वही होगी, तो नेक्स्ट वैल्यू पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0 में 2 ऐड करेंगे तो आपको अब 2 पुट करना है, तो x के बराबर आ जाएगा 3 का गुणा, अब की बार 3 का गुणा किससे होगा, वाई का वैल्यू 2 रखा है तो 2 से माइनस 10 बटा में 2, तो ये हो गया 3 × 6 माइनस 10 बटा में 2, तो ये माइनस का 4 बटा में 2 आ गया माइनस का 2, तो अभी देखो दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, ये एक और रख के चेक करते हैं। तो अब नेक्स्ट वैल्यू x इज इक्वल y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू पुट करते हैं 2 ऐड करना है तो ये 2 है तो 2 में आप ये अपॉन में 2 था तो ये 2 ऐड और कर देंगे, तो अब की बार क्या पुट करना है y इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू मिलेगी अपने को इसमें पुट करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 4 से माइनस 10 अपॉन 2, तो ये हो गया 4 का 3 से करेंगे तो 12 माइनस 10 अपॉन 2, तो 12 माइनस 10 करोगे तो 2 अपॉन 2 आ गया 1, तो देखो 4 और 1 और 4 और 1 यहां था तो ये लास्ट वैल्यू इसमें कॉमन आ गई है, तो ग्राफ इसी पे इंटरसेक्ट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग अपन टेबल बनाएंगे, तो जो पहली वैल्यू y की वैल्यू 0 की थी पुट, उसके बाद में 2 पुट किया था, फिर आपने 4 पुट किया था y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू -5 मिली, 2 पुट करने पर -2 मिली और 4 पुट करने पर ये मिली 1,
तो इन दोनों में ये वन और फोर दोनों में कॉमन आ चुका है तो ग्राफ इसी पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर कॉमन नहीं आता है तो ग्राफ बनाने के बाद आपको इंटरसेक्टिंग वाला जो वैल्यू है वो आपको मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जो टेबल बनाई उसके अकॉर्डिंग इस ग्राफ में वैल्यू पुट करते हैं। तो ये थोड़ा रफली ग्राफ है इसलिए थोड़ी बहुत जो लाइनें हैं वो सीधी कम जाएगी। तो आप ग्राफ के अंदर कैसे पुट करेंगे देखिए, पहला वैल्यू है 3 और 1 पुट करना है। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू जो 3 है, देखो ग्राफ में सबसे पहले तो आपको ये x एक्सिस वाली ये लाइन, ये y एक्सिस वाली लाइन होती है, तो ये प्लस का साइन बनाना है। इसके बाद x वाली साइड यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, y वाली साइड पॉजिटिव वैल्यू, और जो साइड आपने डैश लगाया है उस साइड आपको माइनस वाली वैल्यू, और यहाँ पर भी आपको माइनस वाली वैल्यू पुट करनी है। ये आपने 7th, 6th या 8th क्लास में सीखा हुआ है। अब ये होता है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु होता है। अब x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। जब y का वैल्यू 0 है तो इस लाइन के ऊपर ही आएगी वैल्यू, और जब x की वैल्यू 0 है तो वो इस लाइन के ऊपर ही होगा पॉइंट। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो ये ध्यान रखना है। तो पहला है 3 और 1, तो x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू ये 3 और y की वैल्यू 1 है। तो 3 के सीध से इधर और इधर आप 1 की सीध से ये पॉइंट लाओगे तो ये 3 और 1 वाला ये पॉइंट हो गया अप्रोक्सीमेट। तो ये हो गया 3 और 1। तो आप यहाँ पे 3 और 1 लिख दोगे और सर्कल बना दोगे एक छोटा सा, ये हो गया ए पॉइंट। ये पॉइंट आपको सिर्फ डॉटेड लाइन से दिखाना है, इस पॉइंट को ऐसे नहीं करना है। आपको सिर्फ पेंसिल की नोक रखी और आपको सिर्फ उसी जगह पे पेंसिल को राउंड करना है, ऐसे आपको घुमाना नहीं है पेंसिल को एक जगह पे। तो ये हो गया 3 और 1। अभी जो ग्राफ है वो उस मार्कर से बना रहे हैं, तो इसलिए आपको मैं, क्योंकि डॉटेड लाइन यहाँ पे आपको दिखेगी नहीं। तो पहला पॉइंट आ गया 3 1, दूसरा 1 और 4, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है। तो यहाँ 1 की सीध से इधर 4 की सीध से आप लाओगे तो ये वाला पॉइंट हो गया, इधर 1 और ये 4, ये पॉइंट हो गया b, तो b पॉइंट हो गया 1 और 4। अब तीसरा पॉइंट है -1 और 7, -1 x की वैल्यू, x की वैल्यू ये -1 है और y की वैल्यू 7 है, तो -1 और 7 की सीध से ये वैल्यू आएगी -1 और 7 अप्रोक्सीमेट। ये वैल्यू आ गई -1 और 7, ये पॉइंट हो गया C। अब आप इन तीनों पॉइंट को स्केल की सहायता से आप मिला दीजिएगा, तो इन तीनों पॉइंट को आप मिलाओगे तो अगर आपने ग्राफ सेम बनाया तो तीनों पॉइंट वो एक ही लाइन में होंगे। अगर ग्राफ में मिस्टेक है तो कोई भी एक पॉइंट है वो उन दो बाकी दो की सीध में नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इस लाइन के ऊपर आपको वो इक्वेशन लिखनी है जिस इक्वेशन का आपने ग्राफ बनाया है। ये इक्वेशन है 3x + 2y - 11, तो इसको आप जिस साइड में आपको जगह मिले यहाँ या यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसमें जैसे जगह, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3x + 2y - 11 = ये 0 के लिए ग्राफ बना है। सेकेंड वाला -5 और 0, देखो वाई की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू -5 है, तो वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स वाली लाइन पे होगा वो, तो -5 और 0 यही पॉइंट होगा, -5 और 0, तो -5, 0, ये हो गया सी आया हुआ है, तो ये पॉइंट हो गया डी पॉइंट। अब अगला है -2 और 2, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू +2, ये तो इन दोनों के से ये पॉइंट आ गया -2 और 2, ये पॉइंट आ गया ई पॉइंट आ गया। अब तीसरा 1 और 4 अगेन, तो 1 और 4 जब दोनों टेबल में कॉमन आए तो उसको आप डबल राउंड से ऐसे दिखा दीजिएगा। तो ये 1 और 4 अपने पास आ चुका है पहले से। अब जो तीनों पॉइंट है, तीनों को आप पेंसिल और स्केल की सहायता से मिला दीजिएगा। और इसके ऊपर इस लाइन की जो इक्वेशन है 2x - 3y + 10 = 0, अब आपको ग्राफ की जो वैल्यू है वो ये मिल गई है 1 और 4, तो 1 और 4 इसका हो गया है आंसर। तो आप यहां पे लिख दीजिएगा कि जो x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है अपने पास, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 4, उसको आप उल्टा मत लिख दीजिएगा। x की वैल्यू यहां से देखनी है और y की वैल्यू y एक्सिस वाले से देखना है, तो ये पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो x और y की वैल्यू आ चुकी है, तो ये अपने पास आ चुका है इस, ये जो दो लीनियर इक्वेशन थी इनका सॉल्यूशन।
तो ये यूनिक सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे ये जो स्केल लिखना है इसका पैमाना, तो पैमाना ये फिक्स रहेगी इसकी जो हेडिंग पे है, बाकी यहाँ जो अब वाली इक्वेशन है बोर्ड क्लास के अंदर वो आपको 1 का डिफरेंस वाला ही बढ़ाया हुआ है। नाइन्थ के अंदर तो आपको डिफरेंस ज्यादा कभी लेना पड़ता था, तो यहाँ पे ऑन x एक्सिस पे जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और y एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई 1 यूनिट लेना है। और ये स्केल अगर आपने नहीं निकाला तो आपका आधा नंबर यहाँ माइनस हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर इक्वेशन ये भी एड मिलता है, एक तो ये मिलेगा कि इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, जैसे आपको कह दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये दे दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p है, तो आप p का वैल्यू बताओ, तो ये इक्वेशन आधे नंबर में इन दोनों के साथ और एड होगा। या ये पूछेगा, या पूछेगा कि x एक्सिस और उन जो दोनों लाइनों के द्वारा जो भी ट्राइंगल बना है तो उसके आप कोऑर्डिनेट बताओ, तो आपको ये जो बीच में ट्राइंगल बन रहा है ये ट्राइंगल आपको सेटेड करना है और इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं तीनों वर्टेक्स के। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा है उसने कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p है, तो p का वैल्यू बताओ, तब आपकी जो ग्राफ वाली वैल्यू y है 1 और 4, ये इसमें पुट करोगे, x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू p, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p, तो p का वैल्यू 25। तो या तो ये क्वेश्चन मिलेगा उसके साथ एक्स्ट्रा में इस टाइप का, और या मिलेगा आपको कहेगा कि इस जो ट्राइंगल बन रहा है उसको आप सेटेड करो, वो ट्राइंगल वाई एक्सिस के साथ बनाया हुआ दिखा सकता है, यानी आपके जो कोऑर्डिनेट है वो एकदम इंटरसेक्टिंग वाले होंगे सही, जैसे 1, 2, 3, 4 इन पे, ऐसा नहीं होगा कि वो 1.2 पे हो रहा है या 1.5 पे हो रहा है, डेसिमल वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर जो ये अपन ने डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग ये जो ट्राइंगल पूछेगा तो एक्स एक्सिस के साथ पूछेगा, तो एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल है वो कहेगा इसको आप सेटेड करो, तो आपको ये पेंसिल से इसको इस तरह से सेटेड कर देना है, छायांकित कर देना है। उसके बाद जो ये इसके तीनों वर्टेक्स है, तीनों जो इसके शीर्ष है, तो ये पूछेगा आपको, तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक ये कौन सा है, बी डी और यहाँ पे कौन सा है ए, तो ये पॉइंट अपने पास ए तो ऊपर वाला था, तो ये पॉइंट अपने को लिख लेंगे, तो ए बी सी डी ई तक आ चुका है, तो ये नाम जैसे एफ हो गया, तो यहाँ ये 4,0 होगा, तो ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पे, ये ट्राइंगल का नाम है डी बी डी और एफ ट्राइंगल है, ये त्रिभुज है, तो इसके शीर्ष कौन सा हो जाएगा, बी का जो हो गया वो तो हो गया 1,4 और डी का है -5,0 और एफ का जो निर्देशांक है वो 4,0। तो ये आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि उस त्रिभुज का जो पैटर्न बन रहा है उसको छायांकित कीजिए और उसके आप निर्देशांक लिखिए, तो आपको इस तरह से उसके या तो निर्देशांक पूछेगा या पूछेगा इस तरह से एक इक्वेशन और एड कर देगा, तब आपको कहेगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो आप, तो आपको इस तरह से ग्राफ बनाना है। ये पूरा जो ग्राफ है वो 6 नंबर का है, जिसमें ये आधा नंबर का स्केल होगा, अगर ये आपने गलत किया तो आधा इसका काट देगा, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है लास्ट में एड किया हुआ ये नहीं कर रहे हो तो आधा नंबर इसका काट देगा। तो इस तरह से आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन है, मीडियन मोड वाले क्वेश्चन है, तो इनमें पूरे से पूरे 6 नंबर आपको लेकर आने हैं। अब 7 एग्जांपल का जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं। तो ये आपके ग्राफ इस टाइप का आता है, जिसमें आपको कांस्टेंट वैल्यू जो सी होती है वो इक्वल्स टू में दी हुई होती है, यानी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी वाली वैल्यू गिवन होती है आपको। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये एक वाई वाले को इस साइड भेजना है, वाई वाली वैल्यू को। अब 2x आप यहाँ पे रखते हो, x और y दोनों में से आप कोई भी कोएफिशिएंट वाला यहाँ रख सकते हो, दूसरा अगर y वाला आप यहाँ रखते हो तो x वाले को आप इधर पक्षांतरण करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप x वाला यहाँ पे रख रहे हो तो ये 3y साइड जाएगा राइट साइड में, तो ये हो गया 8-3y हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। अब x की वैल्यू आप यहाँ पे निकालते हो तो 8-3y/2, इसमें आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सेकेंड वाले में आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हो तो एक्स की वैल्यू आ गई ये 2y, यहाँ माइनस का है तो ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो गया, तो -3 और ये 2y साइड जाएगा तो प्लस का हो गया 2y। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अदरवाइज 2y प्लस का है तो ये पहले लिख दो प्लस का और -3 बाद में ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों सही है, आप चाहो तो ये या ये दोनों में से कोई सा भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसको अपॉन में अपने को कोई भी पुट नहीं करना है क्योंकि x के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, क्योंकि अकाउंट में कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ 0, 1, 2, 3 कंटिन्यू भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो न्यूमरेटर 2 से डिवाइड होता है। तो फर्स्ट अपन इसमें 0 पुट करके चेक करते हैं, तो 0 पुट करने पर ये 3 × 0 0 होगा, तो 8/2 4 होता है, तो ये 0 पुट करने पर आंसर मिल रहा है अपने को। तो इस इक्वेशन की फर्स्ट वैल्यू, मैं ये वाला क्वेश्चन हिंदी मीडियम में करा रहा हूँ, वो इंग्लिश मीडियम में बता दिया था, तो यहाँ पे वो लिखोगे वाई बराबर है 0 रखने पर, तो अगर वाई बराबर आप 0 रखते हो तो वाई का मान 0 रखने के बाद में एक्स बराबर क्या जाएगा, 8 − 3 × 0/2, तो ये बचेगा 8/2, 8/2 कितना होता है 4। अब दूसरा 0 पुट किया है आपने यहाँ पे, अब बटा के अंदर 2 है, तो दूसरी वैल्यू आप इस 0 में ये 2 जोड़ दीजिएगा, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 रखने पर, तो y बराबर 2 रखने पर 2 रखोगे तो x बराबर क्या मिलेगा, इसमें रखोगे आप 8 − 3 × 2/2, तो x बराबर 8 − 3 × 6/2, तो 8 में से 6 माइनस करोगे तो ये 2/2 कितना आ गया 1। अब तीसरी वैल्यू अगर आप निकालते हो तो इस 2 में ये अपॉन वाला 2 और ऐड कर दीजिए, तो y बराबर 2 रखा है आपने यहाँ पे, अब 4 रखने पर, अदरवाइज अगर 2 वैल्यू से बन रहा है तो आप 2 वैल्यू से बना सकते हो, दोनों वैल्यू अगर आपकी सही है तो आप दोनों वैल्यू से आप ग्राम बना सकते हो, तीसरी वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो x बराबर 8 − 3 × 4/2, तो ये 8 − 12 होगा बटा में 2, तो ये 12 माइनस करोगे 8 में से, तो ये माइनस का 4/2 यानी माइनस का 2 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो टेबल बनेगी इसकी x और y की अपन ने 3 वैल्यू निकाली है, तो पहली वैल्यू जो है y की 0 रखी है, फिर 2 रखी है, फिर रखी आपने 4, तो x की पहली वैल्यू आपको 4 मिली थी, दूसरी वैल्यू x की मिली थी 1, तीसरी वैल्यू x की मिली थी -2। अब इस समीकरण को हल करते हैं, तो यहां पे आप y की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, क्योंकि ये बटा में यहां पे कोई भी नहीं है, तो आप स्टार्टिंग 0 से कर सकते हो, फिर 1 रख सकते हो, फिर 2 रख सकते हो, तो यहां पर आप जैसे y बराबर देखो 0 रखते हो, तो y बराबर 0 रखने पर 0 रखोगे तो x बराबर 2 का गुणा 0 से होगा -3, तो ये हो जाएगा 0 − 3 हो जाएगा ये -3, तो x का मान मिल गया है -3। अब दूसरी वैल्यू अगर आप 1 रखते हो, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखोगे तो x बराबर 2 का गुणा 1 से होगा -3, तो x बराबर 2 − 3, तो आ गया -1। अभी तक कोई कॉमन वैल्यू नहीं मिली है दोनों में, तीसरी वैल्यू और रख के देखते हैं। अब y बराबर 0 1 रखा, अब 2 रख के चेक करो, तो 2 रखने पर y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 2 गुणा में y का मान रख रहे हैं 2 − 3, बटा में यहाँ पे कोई नहीं है वैल्यू, तो x बराबर 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 − 3, तो ये आ गया 1। तो 2 और 1 ये वैल्यू थी, तो यहाँ पे 1 और 2 आया, तो 2 और 1 आपने यहाँ पे रखा था, y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 1, यानी ये वैल्यू आपको कॉमन मिल गई है, 2 रखने पर आपको जो 1 मिला है। तो x और y, जो पहला वैल्यू है y का आपने 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, तो 0 रखने पर आया -3, 1 रखने पर आया ये -1, और 2 रखने पर आया ये 1, तो जो 1 और 2 है ये दोनों में कॉमन वैल्यू आ चुकी है, तो ग्राफ आपका इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो 1 और 2 वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहला वैल्यू कौन सा रखना है, 4 और 0 है, तो 4 x का वैल्यू है, y का वैल्यू 0 है, तो ये x वाली लाइन पे ही होगा 4 और 0, तो 4, 0 तो ये x एक्सिस पे यहां पे होगा 4, 0, ये हो गया a पॉइंट। दूसरा है 1 और 2, x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो 1 की सीध से देखोगे इधर 2 की सीध से, तो ये हो गया पॉइंट, तो ये हो गया 1 और 2, ये पॉइंट हो गया b। तीसरा पॉइंट है -2 और 4, x का मान तो है -2 और इधर 4 y का मान, तो इधर 4 की सीध से -2 और 4 की सीध से, तो ये पॉइंट आ गया -2 और 4, ये पॉइंट हो गया c। इन तीनों पॉइंटों को मिलाओगे
तो इन तीनों पॉइंटों को मिलाने से आपको इसकी ये लाइन मिलेगी। अब इस लाइन पे इसकी जो समीकरण है वो लिख दीजिए आप, ये है 2x प्लस 3y बराबर 8 के लिए, ये तो ये लिख दिया। अब दूसरी के लिए बनाएंगे समीकरण के लिए, तो माइनस 3 और 0, x का मान माइनस 3, तो माइनस का 3 ये है लेफ्ट साइड में, और y का मान 0, तो ये पॉइंट हो गया c तक आया हुआ है, तो ये पॉइंट हो गया d माइनस 3 और 0। अब माइनस 1 और 1, x का मान माइनस 1, y का मान 1, तो ये पॉइंट हो गया माइनस 1 और 1, ये हो गया e पॉइंट, और एक पॉइंट जो 1 और 2 है, तो 1 और 2 तो ये पॉइंट है, तो इस पे डबल राउंड कर दीजिएगा। अब इन तीनों पॉइंटों को आप मिलाइएगा, तो इन तीनों पॉइंटों को मिलाने से ये लाइन मिलेगी आपको। तो इस लाइन के ऊपर इसकी समीकरण लिख दीजिएगा, x माइनस 2y बराबर माइनस 3 की समीकरण है। अब इन दोनों से आपको आंसर मिल गया 1 और 2, तो आप यहां पे लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 1 और y बराबर 2, ये तो हो गया इसका आंसर। अब इसके साथ आपको वो क्वेश्चन पूछेगा, उसने कहा कि x एक्सिस के साथ जो त्रिभुज बन रहा है उसको आप छायांकित कीजिए, तो छायांकित करोगे तो ये वाला पूछेगा आपको, तो इसको आपने ये छायांकित कर दिया त्रिभुज को, और कहेगा इसके निर्देशांक बताइए, तो निर्देशांक इसका ये पॉइंट का बताना है, एक इस पॉइंट का बताना है, और एक इस ए पॉइंट का बताना है, तो इन तीनों का आपके पास मौजूद है, वो कहेगा त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है 4 0, बी का जो है बी का है 1 और 2, और जो सी का है ए बी, सॉरी ये बी है, ए बी डी का निकाल रहे हैं अपन, तो यहाँ पे डी नाम है, तो ये हो गया माइनस 3 और 0, तो ये ट्राइंगल ए बी डी के आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, त्रिभुज ए बी डी के शीर्षों के निर्देशांक। अदरवाइज इसके साथ वो क्वेश्चन जो मैंने पेज लेकर आया था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी वाला, तो वो भी पूछ सकता है। तो इस तरह से अपन ग्राफ के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे।